नमस्कार। अभी जहानाबाज गांव में एक आश्रम है, उसमें महाराज जी के एक शागिर्द का फ़ोन आया है कि भाई हमारे यहाँ जीने के नीचे एक सांप देखा गया है, कृपया एक बार आएँ और चेक करें। यहाँ पर सभी लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं सांप कहीं किसी को काट ना ले। तो ये आश्रम का मामला है, आश्रम में लोग आते जाते रहते हैं, तो हम अभी जाकर वहाँ देखेंगे कौन सा सांप है और उसका रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि आश्रम में लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए हम भी जल्दी करके जा रहे हैं और महाराज जी का फोन आ गया है। तो आइए हमारे साथ, आप वहाँ रेस्क्यू करते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सा सांप है। यह आश्रम आ गया महाराज जी का, पहाड़ी बाबा का आश्रम है ये, खेटावास गाँव में महाराज जी हैं। ये जो छत पर जो जीना चढ़ा हुआ है उसके नीचे जो खाली जगह होती है, कह रहे हैं कि उसमें घुसा है, और इधर से कोई बिल था जिसमें वो सांप निकलने का प्रयास कर रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे थे, खुदाई कर रहे थे उस बिल को देखने के लिए, तो हमने उनको बताया कि इधर से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि सांप उधर ही निकल सकता है, इधर तो नहीं निकलेगा, क्योंकि बिल होगा वो बंद हो जाएगा। हमने उसमें सारा सामान बाहर निकाल कर पानी भरने का प्रयास किया है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाहर आप खड़े ही नहीं रह सकते, इतनी तेज लू चल रही थी कि हमारा फ़ोन भी हैंग हो गया और हीट मान कर वो बंद हो गया। बीच बीच में हम वीडियोग्राफी कर पाए, और बीच बीच में जब ज़्यादा ज़रूरी सीन आने थे तो फ़ोन ही जवाब दे गया। इतनी भयंकर गर्मी थी आज, हमने देखा कि मेरे भाई हमारी मदद कर रहा है, यहाँ शर्म में ही रहता है, ये बताया कि इधर से निकलने का प्रयास कर रहा है सांप, इधर से दूसरी तरफ हम खड़े हैं और ये इधर से उसको बिल्कुल देख रहा है। इधर से हम पानी भराएंगे, अब उसमें पानी भरने के बाद ही शायद उस तरफ निकल जाए सांप। ये कोबरा बता रहे हैं, स्पेक्टिकल कोबरा महाराज बता रहे हैं, कम से कम 3-3.5 फीट का सांप है, और बाहर से आकर अंदर बढ़ गया। हमने देखा कि इस स्टोर टाइप के इस खाली जगह में बहुत सारे चूहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पर चूहे होंगे सांप तो आएगा ही आएगा, तो कृपया करके आप सभी भी अपने उसको साफ सफाई रखें, चूहे ना पनपने दें। अगर चूहे वहाँ पैदा हो गए तो ये गर्मियों के वक्त ही समझ लो सांप निश्चित तौर पर वहाँ आएगा। तो बीच का सीन कट गया, हमने सांप को पकड़ लिया है, और ये एक जवान स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि बहुत ही जहरीला है, और मौके पर इसको देख लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आश्रम है, सभी महाराज जो भी इधर उधर से आते हैं वो ज़मीन पर ही सोते हैं, और इस वजह से यहाँ ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई ज़मीन पर सोने वाला परफेक्ट है, शूट ना हो बस, सांप ज़्यादा नुकसान पहुँचा, हीट मार के एकदम बंद हो गया, सांप तो अपने रास्ते पर चलेगा और कोई बीच में उसको काट लेगा। तो हमने सांप को पकड़ लिया, सभी सेवकों और महाराज जितने भी हैं उन्होंने उनको इसके बारे में बता दिया है कि अपने यहाँ साफ सफाई रखें। महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर सफाई करेंगे और चूहे आदि को पनपने नहीं देंगे, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ये महाराज जी हैं, अपने पहाड़ी महाराज जी हैं, हमारे इलाके के नामी गिरामी महाराज हैं, ये इनका आश्रम है। उन्होंने भी इच्छा जताई थी कि मैं भी इनको नज़दीक से देखूं, तो हमने इनको दिखाया और इसके बारे में पूरी जानकारी इनको दे दी है। महाराज जी ने अच्छी तरह देख लिया, अब उसको डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये अगर आप आश्रम में चूहे पनपेंगे तो सांप तो इधर उधर से आएंगे, क्योंकि ये आश्रम ही पूरा जंगल में है, खेतों में है, तो चारों तरफ से खेत हैं, तो खेतों से सांप इधर आ जाते हैं,
भोजन की तलाश में, और किसी को काट लेगा तो बहुत ही जहरीला सांप होता है ये। हम उसको लेकर वहाँ से आ गए हैं, अब इसे हम जंगल में छोड़ देंगे, जहाँ पर सुरक्षित जगह है वहाँ इस सांप को हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि अब ऐसी जगहें बहुत कम बची हैं जहाँ पर सांपों को छोड़ा जा सके। हमें अक्सर ऐसी उजाड़ और बियाबान जगहों की तलाश रहती है जहाँ पर इन जीवों को हम छोड़ दें, ताकि ये इंसानों के संपर्क में कम से कम आए और इनका टकराव ना हो, किसी को नुकसान ना पहुँचाए, जीव भी बची रहें और इंसानों को भी नुकसान ना हो। तो हमने इसे यहाँ छोड़ने का फैसला किया। यहाँ पर बहुत सारे बिल और चूहे हैं, ये यहीं पर सर्वाइव कर लेगा। और यहाँ अभी कोई हाल फिलहाल कोई ऐसा निर्माण भी नहीं होना है जिसकी वजह से ये जगह छोड़नी पड़े, हमने इसको यहाँ छोड़ दिया है। मेरी सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम इन जीवों के बारे में समय पर आपको बताते रहें। धन्यवाद।